ऋषिकेश के श्यामपुर के खदरी गांव क्षेत्र में मादा गुलदार की धमक देखने को मिली है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। इतना ही नहीं, गुलदार ने कुत्ते को भी अपना शिकार बना लिया है और इलाके में आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी गुलदार घूमते हुए कैद हुआ है। वहीं गांव के प्रधान पति भगवती प्रसाद थपलियाल ने बताया कि जब हमें पता चला तो हमने वन विभाग को बताया, उन्होंने एक टीम को भेजकर पता किया है। गुलदार जो है करीबन पिछले जो है 15-20 दिन से जो है ये जो गांव में कुछ कैमरे लगे हुए हैं उसमें इसकी दिखाई दे रही है रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए जो है विभाग को सूचना की गई थी और अभी जो है लगातार ये रात के टाइम पर जो है सक्रिय होते हुए दिखाई दिया था। तो इसमें जो है फिर कल जो है रेंजर साहब से मुलाकात हुई थी, तो कल फिर वन विभाग के लोग भी आए, तो जहाँ पे फुटप्रिंट जो है इसके ट्रेस किए थे, तो फुटप्रिंट ट्रेस करते करते जब ये गन्ने के अंदर आए यहाँ पे, तो तब अंदर जाके देखा कि वो एक मादा गुलदार, उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं। तो चूंकि मादा गुलदार बच्चों वाली है तो उसके एकदम से उसका रेस्क्यू करना जो है खतरनाक था, तो आज जो है विभाग पूरे पिंजरे जाल लेकर आया है यहाँ पर। तो अभी तक तो उसका खैर कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, लेकिन विभाग पूरे प्रयास में लगा हुआ है और ग्रामीणों में थोड़ा सा जो है डर का माहौल तो है ही कि जो है जंगली जानवर जो है घर के रिहायशी कॉलोनी के बगल में है, तो गांव के सभी लोग चिंता कर रहे हैं और विभाग को पूरा सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से ग्रामीणों को निजात मिल जाएगी। लोगों से सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के बताए अनुसार वन विभाग को यहाँ गुलदार और शावकों के पग चिन्ह भी मिले हैं। वन क्षेत्र अधिकारी MS रावत ने बताया कि क्षेत्र में गुलदार और दो शावकों की पुष्टि हुई है। जल्द ही टीम की मदद से यहां सक्रिय गुलदारों के रेस्क्यू के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। ओपन प्लेस होने की वजह से यहां पे ट्रैंकुलाइज करने में दिक्कत है और हमने एहतियातन यहां पे अनाउंसमेंट भी कराया है और प्रधान जी की मदद से पूरी जनता को जागरूक किया कि कृपया अपनी सेफ्टी बनाए रखें और प्रथम जैसे आज पिंजरा लगाया जा रहा है इसमें जल्द से जल्दी गुलदार को कैद होने की उम्मीद है। कैसे पता चला इसके बारे में? हमें प्रधान जी के द्वारा जानकारी मिली थी। क्या उम्मीद है अभी आपको? अभी हमारे पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पे तैनात है और आज रात्रि पूरे यहाँ पे गश्त की जाएगी। अभी तक गनीमत ये रही कि गुलदार ने किसी भी व्यक्ति पर हमला नहीं किया, मगर क्षेत्र में मवेशी और पालतू जानवरों को लगातार गुलदार अपना निवाला बना रहा है। आलम यह है कि लोग अब रात को घरों से बाहर निकलने में भी झिझक रहे हैं। ऋषिकेश से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए संजय शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.